पत्रकारों ने पूछा कि पूरा चुनाव बजरंग के नाम पर चला गया है। मैंने कहा कि बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे, एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है, अब उनसे लड़ते नहीं बना है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की नीति जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा, और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। इसी तुष्टिकरण की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के पीएफआई पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है।